अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। आई होप आप सभी खैरियत से होंगी। सो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से वेट गेनिंग सिंपल सी और झटपट बन जाने वाली बेबी फूड की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। मेरी महविश ऑलमोस्ट 8 मंथ की है और आफ्टर 6 मंथ ही मैंने इसे चिकन और मटन देना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दिया था। सो अभी लाइक 1 पीस के करीब इसकी डाइट में शामिल कर देती हूँ और ये अच्छे से खा भी लेती है और इसे अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाता है। सो अगर आप लोग भी चाह रहे हो ना कि आपके बेबीज का वेट जल्दी जल्दी गेन हो, सो आप लोग भी आफ्टर 6 मंथ ये वाली रेसिपी अपने बेबीज को देना स्टार्ट कर सकते हो। सो चलिए देखते हैं हमारे पैर बेबीज के लिए ये वाला फूड हम कैसे बना सकते हैं। सो इस बेबी फूड को बनाने के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सो सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है एक लेग पीस, अगर आप चाहे तो बोनलेस पीस का भी यूज़ कर सकते हो। और इसके अंदर मैं डालूंगी गाजर, मटर और कॉर्न, और साथ ही मैंने लिया है 1 कप रेगुलर राइस। सो सबसे पहले एक बाउल में हम राइस लेंगे और इन्हें अच्छे से 2-3 बार पानी चेंज करके वॉश करेंगे। और हमें इसे इतना वॉश करना है कि इस तरह से जो व्हाइट पानी निकलता है ना वो निकलना बंद हो जाए। अच्छे से वॉश करने के बाद चावलों को मैं डाल दूंगी कुकर में और इसके बाद मैं सभी वेजिटेबल्स में इसके अंदर डाल दूंगी। सो यहाँ पे मटर, कॉर्न और गाजर मैंने इसमें डाल दिए और यहाँ पे महविश भी बैठ के बस देख रही है कि मैं इसका फूड कैसे रेडी कर रही हूँ। इसके बाद में मैंने चिकन का लेग पीस भी इसमें डाल दिया है और 1 ग्लास के करीब पानी इसमें डाल करके हल्दी, थोड़ा सा नमक मैंने ऐड किया है और अब इसे मैं अच्छे से मिक्स करके लिड कवर कर दूंगी और इसे पकने दूंगी 5 से 6 मिनट के लिए। और जब भी आप अपने बेबी को कोई नया फूड स्टार्ट करते हो ना तो कोशिश कीजिए कि टेबलस्पून से स्टार्ट किया कीजिए, क्योंकि हर बेबी अलग होता है और हर बेबी का डाइजेस्टिव सिस्टम भी अलग है। और दूसरा फायदा इससे ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि जो भी आपने नया फूड बेबी को दिया है उससे बेबी को कोई भी फूड एलर्जी या फिर स्टमक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो यहाँ पे अब महविश का फूड रेडी हो गया है। सो इसे मैं 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही ठंडा होने दूंगी और इसके बाद में जितना फूड मुझे महविश के लिए बनाना है उतना फूड मैं डालूंगी ग्राइंडर में। और इसके साथ में ये वाली जो लेग पीस है इसे मैंने हड्डी से अलग कर दिया है और ये जो पीसेस है ये मैं डाल दूंगी ग्राइंडर में और इनका बिल्कुल अच्छे से फाइन पेस्ट बना लूंगी हल्का सा पानी डाल के। और लीजिए, जस्ट 5 मिनट में हमारे पैरे बेबीज का बेबी फूड रेडी है। ये हेल्दी होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा फुलफिल रहेगा आपके बेबीज के लिए, क्योंकि इसमें हमने डाली है ढेर सारी वेजिटेबल, ग्रेन और स्पेशली हमने इसमें चिकन ऐड किया है, जिसे आपके बेबीज बहुत देर तक फुलफिल रहेंगे और इंशाल्लाह आपके बेबीज को बहुत पसंद आएगा। सो अब यहाँ पे मैं बैठाऊंगी महविश को इसकी फीडिंग चेयर पे, इसे कोई टॉय दूंगी खेलने के लिए, एप्रॉन पहनाऊंगी साथ में। और जब भी मैं महविश को फूड खिलाती हूँ ना, सो कोई भी स्क्रीन टाइम या फिर फोन वगैरह में इसको नहीं देती, क्योंकि एक बार अगर आपके बच्चों को फोन देखते हुए या फिर स्क्रीन देखते हुए खाने की आदत लग जाए ना तो फिर ये हमेशा ही चलते रहती है। सो मैं कोशिश करती हूँ या तो मैं बातें करते हुए मैं इसको खिलाती हूँ या फिर कोई भी इसे टॉय दे देती हूँ जिसमें इंगेज रहती है और अपना फूड भी खत्म कर लेती है। और मैं ऐसे करती हूँ, महविश को एक ही फूड ना मैं डिफरेंट डिफरेंट तरह से देती हूँ। जैसे अभी मैंने महविश को ये प्यूरी बना के खिलाई है ग्राइंड करके। सो अब नेक्स्ट टाइम मैं अगर इसे दूंगी ना तो सिर्फ हल्का सा चम्मच से मैश कर लूंगी इन चावलों को और ये महविश को खिलाऊंगी। तो अलग अलग टेक्सचर का ना खाने की महविश को आदत हो गई है। और बच्चों के जो बड़े भाई बहन होते हैं ना वो भी दिन भर कुछ ना कुछ बच्चों को खिलाते रहते हैं। जो खुद खा रहे होते हैं ना वो भी चुपके से थोड़ा बहुत बच्चों को भी खिला देते हैं। कभी बिस्किट खा रहे हो तो बिस्किट वगैरह बच्चों को खिला देंगे। और महविश अपना फूड यहाँ पे ख़त्म करेंगी और खाते हुए ही ये इतना ज़्यादा मेस मेरे लिए फैला देती है ना। इसे खिलाने के बाद में मेरे पास में ढेर सारा काम होता है क्लीनिंग का। बट खैर, बच्चों के साथ रहते हुए हमें इतनी मेसअप की आदत तो हो ही जाती है। सो आप लोग भी ट्राई कीजिए अपने प्यारे प्यारे बेबीज के लिए ये वाली रेसिपी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने बेबीज का बहुत सारा ध्यान रखिएगा और अल्लाह हाफिज़।